हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहाँ पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्वल साइंस का पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आप लोगों को गाला पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया था और मार्वल के टोटल 4 पेपर के हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। उन सबके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 10 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन, यानी कि एक बेसिक सॉल्यूशन है, इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड विथ 8 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन। मतलब कि 10 ml बेस जो है वो 8 ml एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर हम 20 ml बेस ले NaOH तो वो कितने अमाउंट में HCl को न्यूट्रलाइज करेगा? तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमने बेस का अमाउंट डबल कर दिया है, तो वो डबल अमाउंट में एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। दैट मींस हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 ml। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रोपेनॉन इज कंपाउंड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स इन विच फंक्शनल ग्रुप। आप नोटिस करोगे तो पीछे ऑन आ रहा है और हमारे पास ऑप्शन में भी एक ऑन वाला है। दैट मींस हम टेक करेंगे कीटोन। फिर है इन ह्यूमंस द किडनी इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एसोसिएटेड विथ। किडनी जो है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, हम टिक करेंगे ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर का यूनिट वॉट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नहीं होता, हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। फिर पूछा है व्हाट टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेंड विथ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कभी भी वर्चुअल और स्मॉल नहीं बनाता, इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द क्लियर विजुअल डिस्टेंस फॉर एन एडल्ट विथ नॉर्मल विजन। तो नॉर्मल विजन के लिए कोई पर्टिकुलर एडल्ट जो है उसका होता है 25 सेंटीमीटर जितना, हम टिक करेंगे ऑप्शन सी। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 में पूछा है अ कंपाउंड कंटेनिंग 2 कार्बन्स एंड हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई आता है हमारे पास, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ईथीन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स गिव्स द डैश रूल। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, तो हम टिक करेंगे हमारा ये वाला ऑप्शन। फिर पूछा है द कन्वर्जन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इज डन बाय डैश एंजाइम। तो हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल एसिड होता है, वो लार्ज साइज के फैट को स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करता है, तो हम टिक करेंगे बाइल एसिड। फिर 10th में पूछा है द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स इज कंट्रोल्ड बाय डैश located at specific locations on DNA. DNA के अंदर genes होता है, वो enzyme के synthesis को control करते हैं। 11th question में पूछा है car headlights use dash mirrors. तो वो concave mirror को use करते हैं, तो हम वो वाला option tick कर देंगे। Next question में पूछा है the electrical conductivity and melting point of an alloy is dash compared to that of pure constituent metals. कोई भी एलॉय की जो कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट है वो उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से हमेशा लेस होता है, ये पार्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब है ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। 13 में पूछा है मेटल्स लाइक लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट विथ वाटर। ये जो सारे के सारे मेटल्स हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, हमारा आंसर आएगा फॉल्स। फर्टिलाइजेशन ऑफ टेस्टिकल्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स टेक प्लेस इन ओवरी, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। फिर पूछा है नियर साइटेडनेस ऑफ अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया इंक्रीजेस बाय मोर देन 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर किसी के नजदीक के चश्मे हैं तो वो 25 सेंटीमीटर से दूर का देख सकता है, उसके नजदीक का नहीं देख सकता, तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। फिर 16 में पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एंट एसिड. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब कि MgOH ट्वाइस, ये एक बेस होता है, इसलिए उसको एंट एसिड के फॉर्म में यानी कि एसिडिटी रिमूव करने के लिए यूज करते हैं. तो ये भी हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट. अब हमारे पास आते हैं आंसर इन शॉर्ट. हमें थ्री पार्ट्स बताने हैं न्यूरॉन के, तो एक्सॉन लिख सकते हैं, डेंड्राइट लिख सकते हैं और सेल बॉडी लिख सकते हैं. ठीक है, फिर पूछा है हाउ डू एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स डिफर्स इन मेल. तो वाई क्रोमोसोम जो है वो हमेशा स्मॉलर होता है एक्स क्रोमोसोम के कंपैरिजन में, ये आपको याद रखना. फिर पूछा है रॉड सेल और कोन सेल क्या होते हैं. तो रॉड सेल जो है वो डिटरमाइन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और कोन सेल जो है वो डिटरमाइन करते हैं कलर ऑफ लाइट. ये चीज आप लोगों को याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट. फिर पूछा है रेजिस्टेंस क्या है, तो ये भी लिख दो. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. ये कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के अमाउंट को कंट्रोल करती, विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के अमाउंट को कंट्रोल करती है उसमें से पास होने की. अब है हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन. 21st में हमें फोटोट्रोपिज्म बताया, फोटोट्रोपिज्म यानी कि लाइट. तो यहाँ पे प्लांट्स जो है वो लाइट की डायरेक्शन में बेंड होते हैं. थिग्मोट्रोपिज्म हमें मीमोसा प्लांट में देखने को मिलता है, टच मी नॉट प्लांट में, तो हम वो पी वाला टिक कर देंगे. ग्रास जो है वो मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोड्यूसर होता है, और हमारा जो रैबिट है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, तो हम आर टिक कर देंगे. सेक्शन ए यहाँ पे फिनिश होता है. नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें हमें एनी 9 अटेम्प्ट करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 25th नंबर का, भाविन भाई इज अ ओनर इन अ फरसान शॉप, यानी कि उनकी एक शॉप है. एंड द पोटैटो वेफर्स ही मेक्स फॉर द शॉप गेट रेंसिड विद इन फ्यू डेज. वो जब पोटैटो वेफर्स बनाते हैं तो वो रेंसिड यानी कि बिगड़ जाती है कुछ दिनों के अंदर. तो हमें ये बताना है कि रेंसिडिटी क्या होती है और हमें इसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए. रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जब भी फूड के अंदर फैट या तो ऑयल ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, तो उस केस में फूड का जो स्मेल है और टेस्ट बिगड़ जाता है यानी कि फूड सड़ जाता है. इस फेनोमेना को हम कहते हैं रेंसिडिटी. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें यूज करने चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, फूड को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से रोकते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो वेफर के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर एयर की जगह पे यूज किया जाता है नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस से कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा. साथ साथ में अगर हम फूड को एयरटाइट कंटेनर में प्लेस करेंगे तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी. फिर हमें पूछा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है. तो मैग्नीशियम के पास आपको पता हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है. क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, मतलब कि यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो इस तरीके से 2 क्लोरीन जिसको 1-1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है वो मैग्नीशियम से एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए मैग्नीशियम आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में कि एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देता है, जिससे MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है. 27 में पूछा है कि वॉट इज लिम्फ एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ. लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूइड होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो होता है. इसका जो मेन काम होता है वो होता है फिल्टर करना अगेंस्ट माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक वेस्टेज, टॉक्सिंस और अदर डेब्रिस, उन सबसे फिल्टर करने का काम करता है. साथ साथ में होते हैं लिम्फोसाइट्स
जो हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके अगेंस्ट वो फाइट करते हैं। फिर पूछा है कि स्पर्मेटोजोआ एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या क्या काम होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है फ्लूइड को, साथ साथ में प्रोटेक्ट करती है स्पर्म को एंड गाइड्स और स्क्वीजेस दिस फ्लूइड इनटू द यूरिथ्रा एंड इट इज एक्सपेल्ड विद द स्पर्म एंड सीमन। मतलब कि ये जो ग्लैंड है वो यूरिथ्रा में स्पर्म और सीमन को ट्रांसफर करती है। ये अल्कलाइन इन नेचर का होता है, यानी कि स्पर्म जो है वो बाद में जो एसिडिक वजाइना होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। फिर पूछा है गिव द साइंटिफिक टर्म्स फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन। फर्स्ट है ऑनसेट ऑफ मेंस्यूरेशन। ऑनसेट ऑफ मेंस्यूरेशन को कहा जाता है मेनार्की। फिर पूछा है द एक्ट ऑफ रिलीजिंग, यहाँ पे आएगा एग, टेस्टिस नहीं आएगा, एग फ्रॉम द ओवरी, तो उस चीज को कहा जाता है ओव्यूलेशन। ये भी आप लोग याद रखोगे। फिर पूछा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटिलिया, यानी कि गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और है प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्शन। फिर पूछा है व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो हमें पता है कि प्लैनेट्स जो है वो हमारे स्पेस का एक स्मॉलर सर्कुलर एरिया जो है वो कवर करते हैं जब हम अर्थ से देखते हैं। सो इवन इफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट इन द सर्क्यूलर डिस्क इज ब्लॉक्ड, द लाइट फ्रॉम द अनदर पॉइंट रीचेज आवर आईज। एज द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स आर नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड फ्रॉम आवर साइट, दे डू नॉट ट्विंकल। मतलब कि प्लैनेट के एक पर्टिकुलर रीजन से अगर लाइट हमारे तक नहीं पहुंचती तो दूसरे रीजन से हमारे आई तक पहुंच जाती है, इसलिए हमेशा हमें प्लेनेट से निकलती हुई लाइट जो है वो दिखाई देती ही है, इसलिए कभी भी प्लेनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं करते। फिर पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन से 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालने हैं 1 कूलम्ब चार्ज के लिए। तो क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई, एन को सब्जेक्ट बनाओगे तो बनेगा क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू 1 गिवन है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 का पावर 19। इसको मैं 10/16 लिख सकता हूं और ऊपर जाएगा 10 का पावर 19 माइनस 19, तो वो बन जाएगा प्लस 19। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.625 इंटू 10 का पावर 19, और अगर हम यहाँ पे 1 डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18। तो मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन से 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो बनता है। अब पूछा है स्टेट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका जो कमर्शियल यूनिट है वो होता है किलोवाट आवर। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी ये पूछा जाता है। व्हाट इज अ यूनिट, तो 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना। अब पूछा है 33 में स्टेट हाउ द करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल। मतलब कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है। तो करंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि इफ करंट इंक्रीजेस इन अ कॉइल, ये हमेशा याद रखना, अगर किसी भी कॉइल में अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होता है देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। तो रिलेशन क्या होता है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब पूछा है कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है और डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स। तो जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है अपीयरेंस कि कोई पर्टिकुलर एनिमल जो है वो बायोलॉजिकल मेल है या तो फीमेल है। अलग अलग टाइप के जेनेटिक मेथड्स होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के। हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ फर्स्ट वाला दिया है तो हम सिर्फ वही याद रखेंगे। अगर किसी के अंदर एक्स एक्स क्रोमोजोम्स हैं तो वो जेनेटिकली फीमेल है,
एक्स वाई क्रोमोसोम्स है तो वो जेनेटिकली मेल है। फिर ये वाले अलग अलग होते हैं इंसेक्ट्स के लिए, फिशेस के लिए, बर्ड्स के लिए, बटरफ्लाई के लिए। ये सब कुछ अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो चल जाएगा। फिर पूछा है फूड चेन क्या होती है और उसके अंदर के डिफरेंट न्यूट्रिशनल लेवल्स जो है वो क्या है। तो फूड चेन जो है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड बन जाता है। उस तरीके से न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमेशा ट्रांसफर होगी। जैसे कि सन से जो एनर्जी मिलती है वो ग्रास कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ग्रास ने जो फूड बनाया वो ग्रास हॉपर कंज्यूम करता है। फिर ग्रास हॉपर को कंज्यूम करता है श्रू और श्रू को कंज्यूम करता है आउल। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है इन अ फूड चेन। फिर पूछा है कि हीमोग्लोबिन का क्या इंपॉर्टेंस है रेस्पिरेशन के अंदर। तो हीमोग्लोबिन जो है वो सबसे पहले हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का कलर है वो हमेशा रेड होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि लंग्स से लेके रेस्ट ऑफ दी बॉडी तक। हेयर इट रिलीजेस द ऑक्सीजन टू परमिट एरोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी टू पावर द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। फिर जहां पे जिस सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उन सबको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि पूरे बॉडी को एक पर्टिकुलर पावर मिलता है जिससे पूरी बॉडी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वर्क करती है यानी कि फंक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द पर्पस एंड कंक्लूजन ऑफ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक नीडल के पास प्लेस करते हैं, जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास या नीडल होती है उसके पास अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो तुरंत ही वहां पे मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जब भी कोई करंट जो पास होता है किसी भी कंडक्टर में से तो वो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिसकी वजह से हम डिफ्लेक्शन देखते हैं किसी भी कंपास के अंदर। इस तरीके से हमने सेक्शन बी फिनिश किया। नेक्स्ट है सेक्शन सी जिसमें हमें एनी सिक्स अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट में पूछा है स्टेट वन इक्वेशन ऑफ डीकम्पोजिशन प्रोसेस वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखने हैं जहां पे हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो। जहां पे हीट का यूज होता है ऐसे टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट में से हीट सप्लाई होती है तो वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पूछा है लाइट का यूज करके, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में से जब लाइट पास होगी तो उस केस में वहां पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि जब भी हम वाटर में से करंट को पास करेंगे तो वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो गैस के फॉर्म में वहां से स्प्लिट। क्वेश्चन 39 में है एक्सप्लेन द रिडक्शन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन डिटेल विथ इक्वेशन। यानी कि किसी भी मेटल के ओर में से किस तरीके से रिडक्शन मेथड का यूज करके मेटल्स को ऑब्टेन किया जाता है। तो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर मेटल हमें चाहिए दैट इज मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का जो ओर होता है उसको हम कहते हैं सिनेबार। सबसे पहले सिनेबार को कहा जाता है HgS, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसको सबसे पहले हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि
ये जो ऑक्सीजन है वो HG के साथ मिक्स होके बना देता है मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें HGS में से मिलता है HGO, यानी कि हमें सबसे पहले मिलता है मेटल का ऑक्साइड। अब जब हमारे पास मेटल का ऑक्साइड आ जाता है तो उसके बाद हम करते हैं रिडक्शन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कोक। यहाँ पे हमें फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन दिया है कि मान लो हमारे पास मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में फेरिक ऑक्साइड है, तो वहां पे हम कोक यानी कि कार्बन के प्रेजेंस में हम उसको हीट करेंगे, तो उस केस में वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और लास्ट में हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, व्हाई इज सोडियम रिटेन्ड इन केरोसिन, मतलब कि क्यों सोडियम मेटल को केरोसिन के अंदर प्लेस किया जाता। हमें पता है कि सोडियम जो है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो अगर ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत ही फायर हो जाएगा, मतलब फायर मतलब कि आग निकलेगी, जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको हमेशा केरोसिन में रखते हैं सो दैट वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए। फिर हमें पूछा है कि आयरन अगर वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। तो आयरन जब भी H2O के साथ रिएक्ट करता है तो FeOH ट्वाइस बनता है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर पूछा है न्यूरॉन का डायग्राम और उसका फंक्शन। न्यूरॉन्स आप लोगों को पता ही है कि नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिनको नर्व सेल भी कहा जाता है। इनका मेन फंक्शन होता है कि इंफॉर्मेशन को यानी कि सिग्नल्स को रिसीव करे और पूरे रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी में वो सिग्नल्स को ट्रांसफर करे। डेंड्राइट्स जो है वो सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं, एक्सॉन्स जो है वो उसको रिलीज करने का काम करते हैं और बाद में इंफॉर्मेशन हमारे पूरे बॉडी में ट्रैवल करती है। इसका डायग्राम यहाँ पे आप लोगों को शो कर दिया है, आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लेना, ड्रॉ कर लेना और लर्न कर लेना। फिर पूछा गया है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है और उसका एग्जांपल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो एक प्लांट के अंदर ग्रोथ की मेथड होती है, जहाँ पे एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट को जो है बर्थ देता है। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वहां पे कुछ भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसके एग्जांपल क्या है, तो राइजोम फॉर्म होता है जिंजर के अंदर, पोटैटो के अंदर ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, गुआवा ट्री। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल का मतलब वहां पे कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है, आर्टिफिशियल का मतलब कि वहां पे ह्यूमंस के इंटरवेंशन की वजह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुआ है। फिर पूछा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा आप लोगों ने लास्ट पेपर में भी देखा था कि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि टेस्टिस है, फिर वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, साथ साथ में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से जो ओवम निकला है उसके साथ मिक्स होके वो जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, हमने बहुत बार इन सब चीजों को डिस्कस किया है, वापिस से हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है। फिर है 44 के अंदर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में प्लेस करेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगी वो हमें देखना है। तो सी और एफ के बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो फर्स्ट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी वो ऐसे फोकस से पास होगी, और सेकेंड रे जो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो उसी डायरेक्शन में रिवर्ट बैक करेगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे हमारी इमेज बनती। अब इस केस के अंदर हमें टाइप ऑफ इमेज देखना है, तो टाइप ऑफ इमेज जो है वो हमेशा होती है रियल एंड इन्वर्टेड इस केस के अंदर। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज देखोगे
वो आप लिख सकते हो कि वो सी से पीछे बनती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ इमेज लिख दिया हमने, पोजीशन ऑफ इमेज लिख दिया। अगर हमें साइज ऑफ इमेज लिखना है तो आप देख सकते हो कि इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन लार्ज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 3 मार्क्स में पूछा है, जैसे कि कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स एंड टॉर्चेस। क्यों कॉनकेव मिरर को हम यूज करते हैं? तो आप लोग देखना कि जब भी कॉनकेव मिरर को हम वहां पे यूज करते हैं तो बल्ब को हमेशा प्लेस किया जाता है फोकस के ऊपर। हर कॉनकेव मिरर का एक फोकस होता है, और आप लोगों को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो बाद में उसकी जो इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनती है। बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट्स आर द रिफ्लेक्टेड लाइट्स आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिकॉज हमें हेडलाइट और टॉर्चेज में स्ट्रेट बीम चाहिए, इसलिए हम कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं और वहां पे बल्ब को प्लेस करते हैं फोकस पे। ये एक्चुअल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 3 मार्क्स में पूछा है, तो उस केस में आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। अब 46 में पूछा है, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस इन द फॉलोइंग केस, एक्सप्लेन विद द रीजन। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे रेजिस्टेंस विल बिकम डबल। रीजन क्या है? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फिर पूछा है क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर देंगे, तो रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर इसको डबल करोगे तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ, उल्टा हो जाएगा, डबल करोगे तो हाफ हो जाएगा। और लास्ट में पूछा है चेंजिंग द टाइप ऑफ मैटर, यानी कि कंडक्टर को हमने चेंज कर दिया, मटेरियल को चेंज कर दिया, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज मोर फॉर इंसुलेटर्स। अगर हमने वहां पे इंसुलेटर यूज किया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और लेस फॉर कंडक्टर्स, और हमें पता है कि उसको हमने कंडक्टर के साथ रिप्लेस किया तो रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा। इस तरीके से हमने सेक्शन डी फिनिश किया। नेक्स्ट है सेक्शन डी, जिसमें हमें एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं। 47 में पूछा है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट शोइंग द रिएक्शन बिटवीन ग्रेन्यूलर जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हमें H2SO4 का जिंक के साथ रिएक्शन करना है और लास्ट में जिंक का रिएक्शन लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, जहां पे हमने एक पर्टिकुलर कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रखा है और उसके अंदर हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स को ऐड किया। ये जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन इस तरीके से होता है, Zn+H2SO4 gives ZnSO4+H2। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है, बर्न हो जाती है। फिर हमें जिंक का रिएक्शन करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो रिएक्शन भी यहाँ पे दिया है कि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस वहां पे फॉर्म होंगे। फिर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में से ओमिट हो चुका है, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 49th नंबर में हमें पूछा है कि विच रिएक्शन अकर इन द गिवन हाइड्रोकार्बन, C2H6 में कैसा रिएक्शन हो सकता है। तो C2H6 जो है वो एक टाइप का अल्केन है, और अल्केन के अंदर हो सकते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किसके साथ? क्लोरीन वाले। आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे जैसे कि ये इथेन है तो फिर वो जाके क्लोरोइथेन बना सकता है। फिर है C3H6, अगर ये आपको पता हो तो ये है अल्कीन,
और अल्किन के अंदर होते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन आप लोग ये एडिशन रिएक्शन काट के वहां पे लिख देना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वहां पे क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जहां पे इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर C3H8, अगेन ये क्या है हमारा अल्किन है। अल्किन कैसे रिएक्शन करते हैं, अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले। फिर है C2H2, ये हमारा अल्काइन है। अल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड वालों में, मतलब कि वहां पे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन यानी कि एडिशन रिएक्शन हो सकता है। फिर है CH4, अगेन ये हमारा क्या है अल्कीन है, और अल्कीन कैसे रिएक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन से हाइड्रोकार्बन कौन से टाइप का रिएक्शन कर सकते हैं। फिर पूछा है रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पे बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है, वो एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, साथ साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है, तो ये पूरा का पूरा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन आप लोगों को दिया हुआ है। हमने ये पुराने गाला पेपर्स में भी डिस्कशन कर लिया था, पुराने मतलब कि इस साल के जो वीडियोस आपने अगर देखे हैं तो उसमें हमने ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ये सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। हम इसको ज़्यादा डिस्कस करके हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर पूछा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करो, ये डायग्राम आप लोगों के पास यहाँ पे है, आप लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। और सलाइवा और एचसीएल का क्या रोल होता है डाइजेशन के अंदर, सबसे पहले हम सलाइवा का देखते हैं। सलाइवा जो है वो हमारे फूड के साथ मॉइस्चर को मिक्स कर देता है, जिससे हम फूड को इजीली स्वॉलो कर सकते हैं। साथ साथ में उसको अल्कलाइन बना देता है यानी कि बेसिक बना देता है, और साथ साथ में सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है जो हमारे स्टार्च को यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करता है इनटू माल्टोस। फिर एचसीएल जो है वो हमारे फूड के डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उस टाइम पे पेप्सिन रिलीज होता है जो एक टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। उस डाइजेस्टिव एंजाइम का काम होता है फूड को ब्रेक डाउन कर दे। साथ साथ में अगर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे फूड के साथ मिक्स हो चुके हैं जैसे कि बैक्टीरिया, तो उसको वो एचसीएल मार देता है और हमारे फूड का पीएच बाद में लो हो जाता है। फिर पूछा है इन द मूवी भूतनाथ द लिटिल बॉय चंदू टेल्स अमिताभ बच्चन दैट हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन टू द हेवन एंड इज ऑलवेज ब्लेसिंग हिम एज अ स्टार इन द स्काई, देन फर्दर ही आस्क अमिताभ दैट दादाज स्टार अपियर्स फॉर अ मोमेंट एंड डिसअपियर्स एंड रीअपियर्स दैट इज फ्लिकर्स, मतलब कि स्टार फ्लिकर कर रहा है। व्हाई वुड दिस हैपन, अमिताभ हैज गिवन अ डिफरेंट आंसर इन द मूवी बट व्हाट वुड यू आंसर इफ यू वर अवेयर ऑफ द लाइट इवेंट्स। अब एक्चुअल में जो स्टार्स अपियर और डिसअपियर होते हैं तो उस चीज को कहा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इसलिए होता है बिकॉज ऑफ एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन। हमें पता है कि एयर की डेंसिटी जब हम हाइट में ट्रैवल करेंगे तो कंटिन्यूअसली रिड्यूस होती है। जब भी स्टार्स से लाइट हमारे अर्थ तक आती है तो वो कंटिन्यूअसली बेंड हो जाती है फ्रॉम रेरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। जब लाइट का पाथ कंटिन्यूअसली चेंज होता है तो हमें लगता है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। फिर पूछा है क्लासीफाई सोडियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट्स एज एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तो NaCl जो है वो किससे बना है, NaOH जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाले जो हमारे सॉल्ट होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। फिर है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl,
ये बने होंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। ये है वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उससे बनते हैं एसिडिक सॉल्ट। फिर है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये बने होंगे NaOH और H2CO3, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। H2CO3 वीक एसिड होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए ये बनेगा हमारा बेसिक सॉल्ट। तो हम सबसे पहले हमने इसको क्लासिफाई कर लिया, तीन टाइप के सॉल्ट होते हैं हमने डिस्कस कर लिया, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। अब इनका पीएच क्या होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है तो इसका पीएच हमेशा 7 के आसपास होगा, एसिडिक सॉल्ट है इसलिए इसका पीएच हमेशा लेस देन 7 होगा, बेसिक सॉल्ट है इसलिए हमेशा इसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा हो। नेक्स्ट हमें पूछा है इंपॉर्टेंस क्या होता है प्रोड्यूसर का किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। हमें पता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, खास करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए फूड, और फूड बनाते हैं प्रोड्यूसर्स। अगर हमारे इकोसिस्टम में से ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन अलगे, ये सब कुछ चले जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का यूज करके कोई फूड बनाएगा ही नहीं, और कोई भी फूड नहीं बनाएगा तो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हमारे इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं करेंगे, मतलब कि जो सिस्टम है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पुराने वीडियोस की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 6। Until then, goodbye and have fun.